जूनागढ़ जिल्लाना चोड़वा गामे नदीमां तणाईने मृत्यु पामेला लाठ गामना दलित परिवारनी त्रण महिलाओना परिवारजनोने पोरबंदरना सांसद श्री रमेशभाई धडुक द्वारा चार चार लाखनी सहायना चेक अर्पण करवामां आव्या। वेस्टर्न डिस्टर्बन्सना कारणे ताजेतरमां समग्र राज्यमां कमोसमी वरसाद अने मावठा जेवी परिस्थिति ऊभी थई हती त्यारे तारीख 2/5/2023 रोज उपलेटा तालुकाना लाठ गामेथी पसार थती नदीमां अचानक पूर आवी जता अकस्मात सर्जायो हतो अने नदीना पूरमां तणाई जवाथी दलित समाजनी त्रण महिलाओ शांताबेन राजाभाई राठोड, भारतीबेन गोविंदभाई सोलंकी अने संजनाबेन गोविंदभाई सोलंकीनું અવસાન થયું હતું, જેના કારણે મહિલાઓના પરિવારજનો સહિત સમગ્ર પંથક અરેરાટી વ્યાપી જવા પામી હતી। આ સમગ્ર ઘટના સંદર્ભે માણાવદરના ધારાસભ્ય શ્રી અરવિંદભાઈ લાલાણી દ્વારા સાંસદ શ્રી રમેશભાઈ ધડુક સાથે સંકલન કરીને મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાંથી તાત્કાલિક ધોરણે સહાય ચૂકવવા માટે તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી હતી, જે અંતર્ગત સાંસદ શ્રી રમેશભાઈ ધડુક દ્વારા આજરોજ મૃતક મહિલાના પરિવારજનોને 4-4 લાખની સહાયના ચેક અર્પણ કરવામાં આવ્યા હતા। अत्रे उल्लेखनीय छे के 4 दिवस पहला लाठ गामनी महिलाओं मजूरी अर्थे माणावदर तालुकाना चूड़वा गामे गया हता त्यारे कमोसमी वरसाद तूटी पड़ता चूड़वा गामेथी पसार थती नदी में अचानक पूर आव्युं हतुं, जे समय रिक्षा में बैठेला 10 सभ्योमांथी 3 महिलाओं पाणी में तड़ाई जवाथी मृत्यु पाम्या हता, जेनी परिवारना सभ्य बाबूभाई सोलंकी द्वारा लाठ गामना सरपंच पृथ्वीराज सिंह चुड़ासमाने जाण करवामां आवता सरपंच द्वारा सांसद श्री रमेशभाई धडुकने जाण करवामां आवी हती, जे अंतर्गत सांसद श्री रमेशभाई धडुक द्वारा आ समग्र घटनाने गंभीरताथी लईने सक्रिय प्रयत्नो करीने मुख्यमंत्री राहत भंडोळमांथी त्रणेय महिलाओना वारसदारोने तात्कालिक धोरणे 4-4 लाखनी सहायना चेक अर्पण करवामां आव्या हता। आ समय तालुका विकास अधिकारी तथा गामना सरपंच तेमज ग्रामजनों उपस्थित रह्या हता अने आ दुखनी घड़ीए सांसद श्री रमेशभाई धडुके मृतक महिलाओना परिवारजनों ने सांत्वना आपी हती अने मारा लायक कईपण कामकाज होय त्यारे कहजो, त्यारे हर हमेश मारा द्वार खुल्ला छे तेवी हैया धारणा पण आपी हती। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहां भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहां पर शेयर करें।